प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पातुर वाशिंग मार्ग पर ट्रक चालक की हत्या, आरोपी दूसरा ट्रक चालक फरार। राज्य सरकार को विश्वासघाती कहते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया आंदोलन। ऑनलाइन खेले जा रहे जुआ, अड्डे पर कार्यवाही, दो जुआरी गिरफ्तार। गोवंश तस्करों को पकड़कर ग्रामस्थों ने किया पुलिस के हवाले। और हिंदी हृदय सम्राट की शिव सैनिकों ने मनाई पुण्यतिथि। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। अब समाचार विस्तार से। पातुर वाशिम मार्ग पर दो ट्रक चालकों के बीच हुई मारपीट में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा आरोपी ट्रक चालक घटना के बाद फरार हुआ। बुधवार 18 नवंबर को सुबह सुबह पातुर वाशिम मार्ग स्थित रामदेव राय का राजस्थान ढाबे के समीप एक व्यक्ति का मृतदेह दिखाई देने से परिसर में खलबली मच गई थी। मृतक का नाम मनदीप बताया जा रहा है। वह राजस्थान के झुंझुन गांव का निवासी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक मनदीप एवं एक अन्य ट्रक चालक के बीच विवाद हुआ था। विवाद हाथापाई तक पहुँच गया था। इस हाथापाई में मृतक के गुप्तांग पर मार लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक अपना ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पातुर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर मृतदेह पोस्टमार्टम हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। इस घटना की आगे की जाँच पातुर पुलिस कर रही है। बिजली बिल माफी को नकारने वाली राज्य सरकार को विश्वासघाती कहते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया। कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन से त्रस्त हुए राज्य के नागरिकों को बिजली बिल में किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, ऐसा परिपत्र बिजली मंडल ने जारी किया है। साथ ही मीटर रीडिंग अनुसार ही बिजली भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने स्पष्ट किया है। हालांकि इसके पहले राज्य सरकार ने बिजली बिल को लेकर जनता को राहत देने की घोषणा की थी, लेकिन अब बिजली बिल माफी से इनकार किया गया है। राज्य की जनता के साथ यह विश्वासघात है। इस विश्वासघाती सरकार के विरोध में अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से विश्वासघात आंदोलन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोड़े के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली बिल माफ करने की मांग की गई। लॉकडाऊन च्या काळामध्ये जी अवाजवी वीज वापर केल्याचे बिल राज्य सरकारच्या वतीने आणि वीज महामंडळाच्या वतीने जनतेला पाठवले होते, त्यावर सरकारने वेळोवेळी आम्ही दिलासा देऊ त्यामध्ये सवलत देऊ असं जाहीर केलं होतं, परंतु अचानक काल ऊर्जा मंत्र्यांनी यू टर्न घेतलेला आहे आणि त्यांनी आता थेट असं जाहीर केलेलं आहे की आम्ही कुठलाही दिलासा देऊ शकत नाही। त्यांची ही भूमिका महाराष्ट्र राज्यातील वीज ग्राहकांची आणि नागरिकांची फसवणूक करणारी आहे, त्याचा वंचित बहुजन आघाडी निषेध व्यक्त करते। मेहसांगाव के खेत खलियान में चल रहे ऑनलाइन जुआ अड्डे पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दस्ते ने ग्राम मेहसांग में चल रहे ऑनलाइन खेले जाने वाले जुआ अड्डे पर छापा मारने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने अनसिंह जिला वाशिम निवासी सचिन केशव इंगोले व मेहसांग निवासी योगेश मधुगर चितोड़े को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने आरोपियों से कंप्यूटर,
एयरटेल कंपनी का हॉटस्पॉट, मोबाइल, जुआ उपयोगी साहित्य व 3,140 रुपए नगद। इस तरह कुल 43,440 रुपए का माल बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिला पुलिस निरीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई विशेष दस्ता प्रमुख विलास पाटिल व उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। चाचोंडी गांव के ग्रामस्थों ने 460 ट्रक में कत्ल के लिए ले जा रहे 4 गोवंश को बचाकर आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में आने वाले चाचोंडी गांव के नागरिकों ने जो काम पुलिस ने करना चाहिए वह काम करके कत्ल के लिए वाहन में भरकर ले जाने वाले 2 गाय व 2 बैलों की जान बचाई। इस परिसर में प्रतिदिन कत्ल के लिए गौवंशों को ले जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी। पुलिस के पास शिकायतें करने पर भी इन गौवंश तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते इन गोवंश तस्करों को सबक सिखाने का गांव के नागरिकों ने ठहराया। देर रात तक जागते हुए गांव के युवकों ने इस रास्ते से गुजरने वाले बड़े वाहनों की जांच की। तब रात 2 बजे के दौरान एक 407 गाड़ी को रोककर जांच करने पर वाहन के भीतर अत्यंत निर्दयता के साथ ठुसे गए 2 गाय व 2 बैल पाए गए। ग्रामस्थों ने इन गोवंशों को खोलकर उनकी मुक्तता की। ग्रामस्थों ने 407 वाहन समेत चालक व क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर गोवंशों की रवानगी गौशाला में की। चाचोंडी गांव के ग्रामस्थों द्वारा दिखाई गई जागरूकता के चलते इस रास्ते से अवैध गौ तस्करी करने वालों में भय व्याप्त हो गया है। हिंदू हृदय सम्राट तथा शिवसेना प्रमुख बाड़ा साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि अकोला शहर शिवसेना व विद्यार्थी सेना की ओर से मनाई गई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के गांधी चौक परिसर में हिंदू हृदय सम्राट का बड़ा होर्डिंग लगाया गया था। साथ ही शहर के रंगोली आर्टिस्ट शो की मदद से बाड़ा ठाकरे व शिवसेना यह अटूट शब्दों वाली आकर्षक रंगोली का निर्माण किया गया था। उपस्थित शिव सैनिकों की ओर से इस अवसर पर हिंदू हृदय सम्राट बाड़ा साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दिवंगत कामगार सेना प्रमुख कृपा शंकर मिश्रा को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारी एवं शिव सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चांदनी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में चांदनी गांव के नागरिक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन कर रहे हैं। चांदनी ग्राम पंचायत द्वारा विविध कामों में किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में चांदनी गांव के ग्रामस्थों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन आरंभ किया गया है। विविध विकास कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत चांदनी के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामस्थों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह की जांच अथवा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी विरोध में चांदनी गांव के नागरिकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन आरंभ किया गया है। इस अनशन को लेकर एक महिला आंदोलनकर्ता ने जानकारी दी। टापकी रोड परिसर स्थित श्री राम टावर के पास चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्यवाही कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर के डापकी रोड पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर आने वाले श्री राम टावर के समीप 52 पत्तों पर खेला जाने वाला जुआ चल रहा है। इस तरह की जानकारी पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष पथक को मिली थी। इस जुआ अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 12,260 रुपए नगद, 2 मोबाइल व जुआ उपयोगी साहित्य, इस तरह कुल मिलाकर 24,260 रुपयों का माल बरामद किया। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए
देखते हैं बुलेट खबरें। इस्लामाबाद की आंशिक घेराबंदी वापस ली, चरमपंथीय समूह ने की सरकार से बातचीत, तहरीर लेबिक ने की थी घेराबंदी। ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी, कहा रोज न खाए अंडे, अंडे खाने से डायबिटीज का खतरा। स्वच्छ ऊर्जा रोजगार नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान, बिडेन ने पेश किया अमेरिका का नया इकोनॉमिक प्लान, अमीरों से उचित टैक्स देने की अपील। हुआवे ने ऑनर को बेचा, $15 बिलियन में हुआ सौदा, ऑनर के 7,000 कर्मचारियों का तबादला। अंतिम सांसें गिन रही है कांग्रेस, भाजपा का कांग्रेस पर जहरीला वार, बीजेपी नेता सतीश पुनिया का कांग्रेस पर हमला। गोपीनाथ मुंडे के करीबी ने बीजेपी छोड़ी, पूर्व मंत्री जयसिंह राव गायकवाड़ का पार्टी से मोहभंग, कहा पार्टी ने मुझे अभी तक एक भी मौका नहीं दिया। नीतीश ने रखा गृह विभाग अपने पास, सुशील मोदी के विभाग का जिम्मा तारक किशोर प्रसाद को, पहली बैठक में नीतीश ने किया बंटवारा। 3,600 करोड़ रुपए का चॉपर घोटाला, चॉपर घोटाले में लिप्त अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद का आरोप, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम पूछताछ में सामने आए। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन, बाजार बंद करने के प्रस्ताव से कारोबारी नाराज, पिछले 24 घंटे में 99 लोगों ने गंवाई जान। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा आतंकवाद के मददगार देशों को ठहराया जाए दोषी, मानवता के काम आएगी भारत की क्षमताएं। इसलिए मनमोहन को बनाया था पीएम, ओबामा ने कहा सोनिया को फिर राहुल की चिंता, सोनिया मनमोहन से कोई खतरा महसूस नहीं करती थी। हमें हिंदुत्व के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, संजय राउत का भाजपा पर पलटवार, भाजपा ने हिंदुत्व को लेकर शिवसेना पर साधा था निशाना। गुपकर गैंग बर्दाश्त नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस को भूमिका स्पष्ट करने को कहा, बोले गुपकर गैंग अपवित्र गठबंधन। T20 में कैरी को भारत के खिलाफ खेलने की उम्मीद, रिकी पॉन्टिंग को बताया शानदार कोच, कैरी हाल ही में दिल्ली कैपिटल की ओर से खेले थे। विराट के बाद रोहित पर होगी जिम्मेदारी, मैगरा ने रोहित को बताया क्वालिटी बल्लेबाज, कहा ऑस्ट्रेलिया की पिच पहले जैसी खौफनाक नहीं। सचिन की आखिरी पारी को युवराज ने किया याद, कहा हमारे दिलों से कभी रिटायर नहीं होंगे पाजी, 16 नवंबर 2013 को सचिन ने खेली थी आखिरी पारी। भैयू जी महाराज खुदकुशी मामला नहीं सुलझा, बयान से कन्नी काट रही पत्नी और बेटी, भैयू जी महाराज ने 12 जून 2018 को गोली मारकर की थी आत्महत्या। पठान में टाइगर के रूप में दिखेंगे सलमान, फिल्म का निर्देशन करेंगे शाहरुख खान, यशराज फिल्म बैनर के तले बन रही फिल्म। फिल्म ओम में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, अहमद खान की फिल्म ओम, सोमवार को सेलिब्रेट किया आदित्य रॉय कपूर ने बर्थडे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर।
खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पातुर वाशिंग मार्ग पर ट्रक चालक की हत्या, आरोपी दूसरा ट्रक चालक फरार। राज्य सरकार को विश्वासघाती कहते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया आंदोलन। ऑनलाइन खेले जा रहे जुआ अड्डे पर कार्यवाही, दो जुआरी गिरफ्तार। गोवंश तस्करों को पकड़कर ग्रामस्थों ने किया पुलिस के हवाले। और हिंदी हृदय सम्राट की शिव सैनिकों ने मनाई पुण्यतिथि। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। धन्यवाद।